तो ये हमारा सबसे पहला एंगल है, एंगल 35। हमें क्या करना है, पहले यहां पे दो पिंस लगानी है। तो दो पिंस कैसे लगानी है देख लीजिए। एक पिन में यहां पे लगा रहा हूं बराबर, विद द हेल्प ऑफ कोई भी हैमर हो या कोई भी ऑब्जेक्ट से आप इस पिन को लगा सकते हो। दूसरा पिन में यहां पे लगा दूंगा बराबर, ये दो पिन मैंने यहां पे लगा दी। नाउ देन आफ्टर इस प्रिज्म को हमें यहां पे प्लेस करना है, बिल्कुल जो हमने उसकी आउटलाइन बनाई थी उसके ऊपर हम इसको प्रॉपरली प्लेस करेंगे, ठीक है। तो ये हमने प्रिज्म को प्रॉपरली यहां पे प्लेस कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, हमें इस वाले रीजन से यहां से लेके यहां तक इस वाले रीजन में बराबर इस दोनों पिन को देखना है। तो हम कैमरा को इस तरह से मूव कर रहे हैं जिस तरह से आपको अपनी आई पोजीशन को मूव करना है। तो देखो आप यहां से जैसे आओगे, यहां से इस तरफ से ऐसे इस तरफ आना है, राइट टू लेफ्ट साइड पे आना है। देखिए अब जब थोड़ा हम कैमरा को राइट साइड में मूव करेंगे, थोड़ा राइट साइड पे मूव करेंगे, देखिए अभी आपको दोनों पिन एक ही लाइन में नहीं दिखाई दे रही बराबर। तो जब आप इसको देखोगे तो आपको आई साइड पे दोनों पिन एक ही लाइन में नहीं दिखाई देगी। धीरे धीरे आपको अपनी आई साइड को मूव करना है जिस तरह से हम कैमरा मूव कर रहे हैं, ठीक है। और एक मोमेंट ऐसा आएगा कि आपको दोनों पिन एक ही लाइन में दिखाई देगी। आप यहां पे देख रहे हो ये दोनों पिन एक ही लाइन में दिखाई दे रही है बराबर। तो दोनों पिन जब एक ही लाइन में दिखाई दे उस जगह पे आपको अपनी आई साइड को सेट करके और दो पिन लगानी। देखिए आप ये दोनों पिन आपको बिल्कुल बैक टू बैक दिखाई दे रही है, एक सिंगल पिन की तरह दिखाई दे रही है, लाइक दे बोथ द पिन आर कोइंसाइडिंग विद ईच अदर, ओके। एंड दिस इज हाउ वी हैव टू मेजर द रीडिंग। तो यहां पे हम क्या करेंगे, एक पिन यहां पे लगाएंगे बिल्कुल यहां पे और दूसरे पिन भी यहां पे लगाएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से लगानी है, कि ये मैंने पिन उठाएंगे हम यहां पे और इसको इस तरह से रखेंगे और ऐसे लगाएंगे कि एक और पिन आप यहां पे देखिए तो ये पूरी फिक्स हो चुकी है। तो देखिए एक और पिन मैंने यहां पे लगा दी तो ये पिन बिल्कुल इसके सामने है। अब एक और पिन लगाएंगे हम यहां पे, एक और पिन हम यहां पे लगाएंगे, मैं हाथ से लगाने की कोशिश कर रहा हूं नहीं तो हमें इसको फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा हमें फिक्स करना पड़ेगा, तो इस तरह से हम, चलिए तो ये हमने फिक्स किया है। आप इसको देखेंगे तो चारों पिन हमारी थोड़ी, देखिए अब चारों पिन जो है वो ऑलमोस्ट बिल्कुल एक ही लाइन में आपको दिखाई दे रही है। तो दो पिन तो पहले थी उस तरफ, हमने दो और पिन लगा ली और ये चारों पिन एक ही लाइन में दिखाई दे रही है। अब हमें क्या करना है, तो हमें इस दोनों पिन को उठा देना है, तो हमें जो मार्किंग मिलेगा उस मार्किंग के ऊपर कनेक्ट करते हुए हमें लाइन बनानी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो ये हमारा मान लीजिए स्केल है, तो हमने यहां पे प्रिज्म उठा लिया, दो पॉइंट्स जो बनाए थे उसको हमें इस तरह से लाइन से कनेक्ट करना है और वो लाइन जो है वो आपके इंसिडेंट रे के साथ मीट करनी चाहिए। तो ये बन जाता है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। अब हम इसको प्रोटेक्टर की मदद से मेजर करेंगे, तो ये हमें प्रोटेक्टर को कैसे रखना है देख लीजिए। ये जो पॉइंट है बराबर, इस पॉइंट को इस तरह से सेट करिए और ये जो डॉटेड लाइन है वो बिल्कुल 90 डिग्री पे होगी बराबर, बिल्कुल इसके पीछे। तो ये एंगल में बनेगा, ये बन जाता है अराउंड 43। आप कैलकुलेट कर सकते हो 10, 20, 30, 40 और ऊपर तीन डिवीजन, दैट इज 43। तो ये हमारा एंगल ऑफ डेविएशन जो बनता है पहला, दैट इज इक्वल टू 43 डिग्री बराबर। तो दिस आर फर्स्ट रीडिंग।